हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु वर्मा, यू आर वॉचिंग मी ऑन हिमांशु एच ई ब्लॉग्स। और आज मेरे साथ है मेरे दीदी का, बड़ी दीदी का लड़का चुन्नू वर्मा, और ये मेरा भांजा है। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने, क्योंकि इनकी कल ट्रेन है, तो आज संडे भी है और टाइम भी, तो सोचा है थोड़ी सी दिल्ली में एक दो जगह हैं जिनको घुमा दी जाए। वैसे आए पहले भी नहीं, तो इनको आज दिल्ली घुमा देते हैं। धूप हो रही है, मौसम काफ़ी ठीक है घूमने के लिए, तो जितनी हो सके एक दो तीन जितनी जगह घूम सकते हैं आज तक शाम तक उतनी घुमा देंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर, और मेरे पीछे देखो आज मेला लगा हुआ है। किस्मत है, मेला से तो लाल किले पे हमेशा मेला लगा रहता है, लेकिन अभी मेला चालू है। तो आप मुझे पीछे देख लो, झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ से जस्ट मेले की एंट्री पार करके चलते हैं लाल किले की तरफ। तो आइए और मिलते हैं आगे, और साथ में मेरा भांजा भी है, ये रहा। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे आगे। धूप और किया था, घूमने का मज़ा आएगा, बस थोड़े गले में खराबी है तो यार आवाज़ का थोड़ी दिक्कत होगी। मिलते हैं आपसे आगे, आइए चलते हैं। धूप तो बहुत तेज हो रही है, अब मैं तो नहीं लूंगा, लगा लो ना। तब हम पहुंच चुके हैं लाल किले की एंट्री हमने कर ली है, और यहाँ से मिल जा रहा है टिकट। और ये है मेरे पीछे लाल किला, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप देख लो कितनी भीड़ लगी है, आज संडे है और टिकट के लिए भी लाइन लगी हुई है पूरी। तो लेते हैं हम ऑनलाइन टिकट, क्योंकि लाइन तो हमें लगनी नहीं है। टिकट लेके यहाँ से निकलते हैं हम आगे की तरफ, और फिर करते हैं हम लाल किले के अंदर एंट्री। तो आइए पहले टिकट ले लेते हैं। लगी है एंट्री की लाइन, टिकट की लाइन ये थी, यहाँ से हमने ऑनलाइन टिकट लेकर अब हम घर में एंड जा रहे हैं एंट्री। और ठीक है, एंट्री करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो मिलते हैं एंट्री करने के बाद आप लोगों से। तो हम आ चुके हैं एंट्री करने के बाद लाल किले की मेन एंट्री पर। यहाँ से लाल किले की मेन एंट्री स्टार्ट होती है, और जहाँ से हम आए हैं वो ये था, यहाँ से हमने एंट्री करवाई, चेकिंग करवाई, और अब हम हैं फिलहाल लाल किले की मेन एंट्री पर। तो चलते हैं यहाँ से अंदर, हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो आइए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर, और ये पूरा यहाँ से स्टार्टिंग होती है, और ये आगे जो गेट है ये है मीना बाजार का गेट, और यहाँ से हम करने वाले हैं यहाँ से एंट्री। और आप देख लो कितना बड़ा है ये, जो ये है पूरा, एक बार फ्रेम में पूरा आएगा भी नहीं। ये जो है आगे, ये है मीना बाजार, ये है पूरा। तो आइए चलते हैं। तो ये है मीना बाजार, और दोनों तरफ आप देख सकते हो दुकानें लगी हुई हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। और चलते हैं हम यहाँ से आगे और देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। मीना बाजार क्रॉस करके फिर हम आएंगे आगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर, और ये थी यहाँ से हमने करी मेन एंट्री मीना बाजार, यहाँ से पार करने के बाद। और आज मस्त हवा चल रही है, सुहानी धूप है, तो घूमने का एक अलग ही मज़ा आएगा। और यहाँ से चलते हैं आगे, दूर तरफ हरियाली और लाल किले की खूबसूरती। तो ये दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत करते हुए लाल किले के अंदर। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है लाल किले में, जो पहले से थोड़ा सा बदला हुआ होगा। आइए अब हमें दीवाने आम में, यहाँ से लाल किले की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, और मेरे पीछे बोर्ड आ रखा है दीवाने आम का, और ये मेरे पीछे पूरा दीवाने आम। आपको मैं बैक कवर दिखा देता हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। आज जैसे काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आ रखे हैं, तो सही है, आज काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा।
आइए और देखते हैं आपको बैक कैमरे से यहाँ की खूबसूरती दिखा दूँ मैं। तो ये है जैसा लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, दीवाने आम, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग हैं, बाकी इंडियंस भी हैं, और ये पूरा दीवाने आम की बिल्डिंग। तो थोड़ा चलते हैं आगे और देखते हैं कैसी बना रखी है आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे। ये है पूरा, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, और ये पूरी खूबसूरती जो आप देख सकते हो आपके सामने है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से आगे। लाल किले को पार करते हम एंट्री कर रहे हैं सफेद किले में, शायद इसका रंग उड़ गया है। और ये रही पूरी हरियाली आपके दोनों तरफ, और ये आगे लाल किले का कुछ हिस्सा जो कि अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। पीछे का हिस्सा ये था हमारे पीछे, और ठीक है काफी सफेद बिल्डिंग है। चलो चलो ठीक है, ये आ चुके हैं लाल किले के हिस्से में, और आगे देखते हैं पहले से क्या कुछ बदलाव है। यहाँ मैं कुछ टाइम पहले आया था, शायद पिछले साल की दिवाली पे, और वहाँ से घूमते हुए आज थोड़ा सा अंतर शायद देखने को मिल जाए, जैसे खास कुछ अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। दोबारा यहाँ आए तो आप लोगों को दोबारा यहाँ विजिट करवा देते हैं। यह है गुप्त दरवाजा, जैसे पहले के टाइम पर निकलने का सुरंग होती थी, तो सुरंग को बंद कर दिया गया है, और ना ही आपको एंट्री है यहाँ से और ना ही आपको आगे से ये सुरंग हुआ करती थी पहले के टाइम पे। शायद धूप की वजह से आपको ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे गेट लगा हुआ है, इसके अंदर सुरंग नहीं है। तो आगे चलते हैं, और यह है खास महल जो कि ये रहा। तो ठीक है, खास महल को देखते हैं इसमें क्या खासियत है इसकी, और फिर यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे। ये था खास महल जिसके ऊपर कलाकृति और आर्किटेक्चर का काम किया हुआ है, इसलिए इसे खास महल कहते हैं। तो यह है पूरा खास महल का काम। ठीक है चल, और मिलते फिर यहाँ से आगे। खास महल ये था आपके सामने, और यह खास महल की थोड़ी कारीगरी। तो यह लाल किले की खूबसूरती, खिली हुई धूप में सर्द हवा और यहाँ का मौसम। तो यह है पूरा, तो यह है पूरी लाल किले की खूबसूरती। यहाँ जितनी बार भी आओ यहाँ के सुकून ही मिलता है। तो यहाँ के देखो, आप देख सकते हो हवा के झोंकों से पेड़ के पत्ते हिलते हुए। तो यह है पूरी लाल किला और इसकी खूबसूरती। चलते हैं अब यहाँ से आगे और देखते हैं क्या कुछ खास है। आइए मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पता नहीं किस चीज़ की भीड़ लगी है, आइए देखते हैं, शायद कुछ अपने काम का हो। थोड़ा सा यहाँ पे पब्लिक वॉइस चल रहा है, आओ आइए देखते हैं। नाम भी बता दो यार बुक का। अच्छा मैं बुक यार बताता भी हूँ। दिस इज प्रिटी इम्प्रोबेबल, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑन दिल्ली। इट हैज डिफरेंट स्टोरीज रिटन ऑन दिल्ली एंड इट हैज बीन एडिटेड बाय द प्रोवर्बियल दिल्ली लवर खुशवंत सिंह। फैसिनेटिंग बुक। दोस्तों ये जो भीड़ लगी थी यहाँ पे, एक थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन या कहें गिव अवे चल रहा था नॉवेल्स का, रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री और रिलेटेड टू दिल्ली हिस्ट्री। यहाँ पे एक बंदा था जो छोटा सा इवेंट क्रिएट चल रहा था यहाँ पे, और ये था बेसिकली। आइए चल चलते बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये था गिव अवे चल रहा था बुक का, एक नंबर के हिसाब से बुक्स उनको डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, जिस अकॉर्डिंग टू नंबर बैठे हुए तो लोग उनको उस हिसाब से बुक्स मिल रही थी। एक नॉवल मिली है अलग अलग लोगों को, तो वो उनका ये था कि हिस्ट्री रिलेटेड थी, अबाउट दिल्ली और अबाउट इंडिया, अबाउट द रेड फोर्ट। तो सही था, काफ़ी अच्छा देख के मुझे यही मालूम पड़ा कि ठीक है, एक क्रिएटिव आइडिया है हिस्ट्री से रूबरू होने का। तो ठीक है,
जस्ट अ थम्स अप फॉर दिस मैन। तो ये कुछ नया आज मैंने देखा यहाँ पे आके, एक नया एक्सपीरियंस मिला मुझे रेड फोर्ट में आके। तो ऐसे चलते हैं कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए आगे, और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। ऐसी अगर कुछ क्रिएटिविटी, अगर कोई नई चीज़ दिखती है आप लोगों को दिखा दी जाएगी, तो बने रहिए मेरे साथ आगे तक, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो हम आ चुके हैं लाल किले के एक दूसरे पड़ाव पर, जहाँ पर ये सब म्यूजियम्स हैं। एक ये म्यूजियम है, एक ये है, और काफ़ी सही है। जो थोड़े बहुत किले टाइप थे वो हमने देख लिए हैं, और सही है। ये वहाँ किले पार करके अब हम आ चुके हैं म्यूजियम्स की तरफ। सही है, ये कुछ म्यूजियम्स है। अगर आपके पास म्यूजियम्स की टिकट है तो आप इसमें जा सकते हैं। और आज आने में फ़ायदा ये हुआ है कि आज काफ़ी भीड़ है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। लाल किला थोड़ा सा भरा हुआ है, वरना अमूमन तौर पर देखा जाए तो लाल किले में इतनी भीड़ नहीं होती है। एज़ कम्पेयर टू, अगर आप संडे को आ रहे हो तो आप संडे को आपको भीड़ देखने को मिली, आपको लगेगा कि हाँ लोग आ रहे हैं लाल किले में, और अच्छा खासा आपको क्राउड मिल जाता है। और पहले जैसे कि पहले भी वीडियो में आपको बताई थी, पहले लाल किले में कैंटीन की फैसिलिटी नहीं थी, अब आपको कैंटीन देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है कैंटीन का, कैफेटेरिया कैंटीन, और थोड़ी दूर आगे आपको जाओगे तो एक कैंटीन पीछे थी और एक आगे आपको कैंटीन देखने को मिल जाएगी। तो वही है, अब हम फिर से एक लाल किले के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। एक हिस्सा जहाँ सब किले थे, और ये एक हिस्सा जहाँ सब म्यूजियम्स हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा दोबारा यहाँ पर आकर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे जो आए हैं भांजे चमनलाल जी, इनसे पूछते हैं कैसा लगा यहाँ पे आके लाल किला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पहली बार यहाँ से कहाँ जाने का सोचा हमने, यहाँ से मिलेंगे इंडिया गेट, इंडिया गेट घूम लेना, और उसके साथ में जब देख लेंगे। ठीक है, एक दिन का विजिट काफ़ी होता है इसका। अगर आप एक दिन आए हो घूमने के लिए दिल्ली में, तो ये कुछ मोस्ट फेमस प्लेसेस हैं। हरियाली में इस तरफ पूरी हरियाली, और यहाँ पर लाल किले की बाउंड्री लग जाती है, यहाँ से पार कर नहीं जा सकते हो। तो ये था और हमारे जो रास्ता यहाँ से हम आए थे। सही है, तो ठीक है। और जिस कैंटीन की बात कर रहा था वो कैंटीन एरिया आपको दिखा देता हूँ। वो रही कैंटीन, ये मेरे पीछे। अभी धूप हो रही है और धूप के साथ साथ हवा है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हटोगे नहीं क्योंकि धूप है, थोड़ी गर्मी भी है, ठंडी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है घूमने के लिए। ऐसे मौसम में आप कितनी भी देर घूम सकते हो पैदल, आप जल्दी थकोगे नहीं। सही है, तो आपसे चलते हैं कॉर्नर की तरफ, देखते हैं। लास्ट टाइम जब कॉर्नर्स में नहीं गए थे, आज वो दोबारा कॉर्नर्स मिल गए हैं सामने। ये आपको जूम करके दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो कॉर्नर है। आज चल के देखते हैं क्या है इन कॉर्नर्स के बीच, और मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे चलने के बाद। और ये हम दोबारा से वही एक बाउंड्री लाने हैं लाल किले की। ये बिल्कुल लास्ट एंड है, आप इसके आगे नहीं जा सकते हो, ना ही आपको परमिशन है। जो हम लास्ट टाइम वहाँ गए थे, जिस तरह आप देख सकते हो, जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो आप पेड़ गिरा हुआ देख रहे हो, ये पेड़ शायद जानबूझ से गिराया गया है या खुद से गिरा है पता नहीं, लेकिन आप नहीं जा सकते उसके आगे। और यहाँ से हम चलते हैं फिर इस तरफ, जिस तरफ रास्ता है, और यहाँ पे लाल किला ख़त्म होता है एक राउंड पूरा। यहाँ का ख़त्म होने के बाद अब यहाँ से वापस राउंड लगाते हुए चलेंगे हम एग्जिट की तरफ। ये हो गया हमारा लाल किले का टूर ख़त्म। तो काफ़ी कुछ था देखने के लिए इस बार लाल किले में, बड़ा शांत माहौल, और धूप में सर्द हवा एक अलग ही सुकून देती है। तो आज ये एक्सपीरियंस किया है हमने। ठीक है, और चलते हैं यहाँ से अब आगे, और मिलते हैं आपको एग्जिट करते हुए, शायद रास्ते में कुछ नई चीज़ देखने को मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे, आइए चलते हैं। एक मैंने नई चीज़ देखी, शायद पहले नहीं दिखाई आपको वीडियो में। इसका नाम है बावली, और स्टीप वेल कहते हैं इसे इंग्लिश में। और आइए देखते हैं, अभी वैसे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। क्या है ये है,
बैरिकेडिंग कर रखी कोई नीचे ना जाए। वैसे नीचे पानी है थोड़ा सा, पहले सीढ़ियाँ दे रखी हैं स्टेयरकेस पे, इसकी साफ़ सफाई चल रही है आप देख सकते हो। तो इसका नाम है बावली, ठीक है चलते हैं आगे। ये शायद मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, मैं इधर आया नहीं था। ये थोड़ा सा QRT एक रिस्पांस टीम दे रखी है, अगर कुछ भी रेड फोर्ट के प्रीमिसेस में कोई दिक्कत होती है उसके लिए है। और ये है आपकी लाल किले की बावली, चलते हैं आगे। कोई एक दो चीज़ जो लास्ट टाइम उससे छूट गई है वो इस बार कवर हो जाएगी। और ठीक है पूरा एक राउंड लाल किले का कवर करके हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं आगे। और यहाँ पे CISF कैंप भी है, कैंप तो नहीं कहेंगे CISF यूनिट है जो कि सिर्फ रेड फोर्ट के लिए अलॉट की गई है। जैसे आप देख सकते हो, आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ लिखा हुआ है CISF यूनिट रेड फोर्ट दिल्ली, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कोई भी किसी चीज़ की आपको फोर्स चाहिए रिक्वायर्ड होती है तो आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो और ये आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आ जाएंगे। तो छोटा सा एक यूनिट है CISF की। तो ये था, और अब यहाँ से हम यहाँ से एग्जिट की तरफ है लाल किला ख़त्म करते हुए। तो ठीक है, ऐसी एक दो चीज़ें जो रह गई होंगी वो आपको चलते चलते दिखा देंगे। और ये लाल किले की हरियाली, एक तरफ म्यूज़ियम और दूसरी तरफ आपको पूरा ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी पूरे लाल किले की। और ये कुछ स्टाफ हैं CISF के ही थे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे मीना बाजार से बाहर और यहाँ से करते हैं हम एग्ज़िट। लाल किले का टूर यहाँ पे ख़त्म होता है और चलते हैं यहाँ से अपनी अलग दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, और वो है इंडिया गेट। तो यहाँ से करते हैं हम एग्ज़िट। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा रेड फोर्ट का सिलसिला, ठीक है। और ये जहाँ से हमने एंट्री करी थी मीना बाज़ार के लिए, और वहीं से हमने यहाँ पे एग्ज़िट होती है। और चलते हैं हम यहाँ से बाहर, आइए। तो हम आ चुके हैं पंडार रोड एग्ज़िट नंबर 2 खान मार्केट से, और यहाँ से आगे चलना है हमको किस तरफ, यहाँ से हमको जाना है इंडिया गेट के लिए। तो चलते हैं आइए। और पंडार रोड क्लियर करने के बाद सबसे नियरेस्ट मेट्रो पड़ता है, अगर आपको इंडिया गेट आना है तो खान मार्केट से गेट नंबर 2 की तरफ एग्जिट लीजिए, और इंडिया गेट वहाँ से सिर्फ 1.3 किलोमीटर पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 10 से 15 मिनट में आप पहुँच सकते हो इंडिया गेट, ठीक है। और मेरे साथ में मेरा भाइया चल रहे हैं साथ में इंडिया गेट के लिए। काफ़ी मतलब शांत रास्ता, और यहाँ पे सारे हाईली रेपुटेड हाईली ऑफिशियल्स जो हैं ग्रेड ए के यहाँ ऑफिशियल्स रहते हैं। तो ठीक है, और चलते हम यहाँ से आगे। अभी वॉकिंग डिस्टेंस है 15 मिनट तक वॉक करना पड़ेगा, और यहाँ से मिलेंगे फिर आगे। तो हम आ चुके हैं पंडार रोड पार करने वाले हैं, यहाँ पे सारे हाईली रेपुटेड ऑफिशियल्स ग्रेड ए ऑफिशियल्स के क्वार्टर्स और उनके फ्लैट्स थे। और अभी यहाँ से चल रहे हैं, बस इंडिया गेट के बिल्कुल पास आ चुके हैं, मेरे ख्याल से 200 मीटर बाद इंडिया गेट पड़ता है, ठीक है। तो ये था पंडार रोड, और यहाँ सिक्योरिटी देख सकते हो आपको जगह जगह मिल जाएगी आपको देखने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें, यहाँ से 8 फेयर लगा हुआ है, ये रहा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिया 8 फेयर लगा है, जैसा कि आप देख सकते हो इंडिया 8 फेयर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो। तो हम आ चुके हैं इंडिया गेट के काफ़ी करीब, और ठीक है धूप हो रखी है, थोड़ी हवा चल रही है। तो ये है, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो रोड आती है ये आपकी शाहजहाँ रोड से मर्ज होकर पंडार रोड से निकल के यहाँ पे मर्ज होती है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये इंडिया गेट, और यहाँ पे कितनी भीड़ आप देख सकते हो, बहुत अच्छी भीड़ है। और सामने आप देखोगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। तो ये था यहाँ तक का सफ़र, और अब यहाँ से आगे तक का सफ़र भी तब दिखाता रहूँगा, जहाँ से मारते वो ये रही रोड। तो ठीक है, ये रहा इंडिया गेट, और फाउंटेन आज चल रहा है,
जो कि हमेशा ही चलता है वैसे तो इंडिया गेट पर। तो यहाँ की थोड़ी बहुत पिक्चर्स होंगी, इसके वजह से जो हवा आती है वो काफ़ी ठंडी आती है वहाँ पर। और ये रहा इंडिया गेट, और यहाँ आज इंडिया गेट पर अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। और चलते हैं यहाँ से अब थोड़ा सा आगे, आइए। तो हम आ चुके हैं इंडिया गेट पे, और यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। लास्ट टाइम आए थे तो काफ़ी सही से डेकोरेट कर रखा था, जो कि अभी इस वक्त नहीं है। और उसके जस्ट अपोजिट में इंडिया गेट, हवा चल रही है, काफ़ी तेज हवा चल रही है। और यह है इंडिया गेट, पेड़ बीच में आ रहा था लेकिन कोई नहीं, यह है इंडिया गेट। और आज क्राउड आप देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा क्राउड है आज, हर मॉन्यूमेंट पे को अच्छा क्राउड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है और आज संडे भी है। सही है, यहाँ के काफ़ी अच्छा लगता है। छोटी सी एक विजिट इंडिया गेट की, रेड फोर्ट की। और बहुत ज़्यादा क्राउड है, आज संडे है इसकी वजह से, और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है इंडिया गेट मेरे पीछे। और यहाँ चल रहा है साइड में फाउंटेन, ये था इंडिया गेट पे छोटी सी विजिट आज के दिन संडे को अपने भांजे के साथ। तो ठीक है, और देखते हैं, ये रहा फाउंटेन जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये रहा जो चल रहा है, सही है। और देखते हैं इंडिया गेट की खूबसूरती। दोस्तों आज चल रहा है इंडिया गेट का फाउंटेन, और ये रहा, और पानी आप देखिए पानी क्या इतना सही चमक रहा है। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से यहाँ की पूरी दोस्तों। ये था इंडिया गेट तक का विजिट, और अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप हो रखी है, ठंडी हवा चल रही है। ये इंडिया गेट, और मेरे पीछे इंडिया गेट के पीछे पीछे आपको दिख जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति जो पीछे की साइड है इसके। तो अब यहाँ चलते हैं आगे, जो आगे तक का विजिट है वो आपको दिखाएंगे आगे चलकर। तो चलते हैं यहाँ से, सी ऑफ करते हैं इस जगह को। तो ये जहाँ इंडिया गेट काफ़ी फेमस है दिल्ली में, इंडिया गेट, और यहाँ से चलते हैं आप आगे। बढ़िया है, तो हम आ चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, और यहाँ से हम कर रहे हैं एंट्री, चेकिंग करवा ली है, और सही है यहाँ पे एंट्री के लिए चेकिंग, उसके बाद ठीक है आप चलते हैं यहाँ से अंदर, एंट्री करते हैं और मिलते हैं आपको अंदर थोड़ी देर में। तो हम आ चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर, और यहाँ की खूबसूरती देखो आप पहले। अभी इस टाइम फूल खिले हुए हैं, फाउंटेन चल रही है, और यहाँ से आपको सामने दिख जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल का जो एम्बलम है ऊपर, अशोकन एम्बलम नेशनल पिलर पर जो लगा होता है वो, और पीछे फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये है यहाँ की खूबसूरती। तो चलते हैं हम यहाँ से आगे, जैसे हमने एंट्री करी है, और एंट्री हमने यहाँ से ली है, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, और उसके आगे जस्ट सामने है इंडिया गेट। तो ये है सब चीज़ें यहाँ पे, तो चलते हैं हम यहाँ से आगे।
तो ये तो दोस्तों वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट। इंडिया गेट के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के बाद हम आए हैं वॉर मेमोरियल घूमने के लिए। तो ये था वॉर मेमोरियल जो स्टार्टिंग में दिखा दिया, और यहाँ से हम चलते हैं अब आगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लोग कुछ चढ़े हुए थे ऊपर, तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बना रखे हैं जो नेम प्लेट्स लगे हुए हैं ये इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, और आप इस पे प्लेटफॉर्म में बैठ नहीं सकते हो। ये आपको जो है चार जो इंडियन आर्मी जो फ्लैग्स हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, वो ये रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट तरफ इंडियन नेशनल फ्लैग, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, और ये आपको तीन जो फोर्स हैं मेरे सबसे कॉर्नर में जो सबसे हाइट वाला है वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो है इंडियन का नेशनल फ्लैग। तो ये था दोस्तों वॉर मेमोरियल। एक तरफ आप देखोगे वॉर मेमोरियल, उससे थोड़ा सा आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, और उसके आगे आपको दिखने को मिल जाएगा इंडिया गेट। तो ये था वॉर मेमोरियल तक का सफ़र थोड़ा सा, जो आप लोगों को दोबारा दिखाया है, ये जो नेम प्लेट्स लगे हुए हैं जो भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके नाम के आगे, उनको नाम को गोल्डन अक्षर में लिखा गया है, उनके बटालियन कोड और उनके नाम के साथ। बाकी यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हो, रात में ये और भी जगह अच्छी लगती है। तो यह है वॉर मेमोरियल की कुछ खूबसूरती है आप लोगों के सामने, और जो मेन चीज़ वो आपको देखने को मिल जाएगी, ये जो मेन है ये ऊपर जो लगा हुआ है नेशनल एम्बलम इंडिया का वो, और यहाँ से ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं वॉर मेमोरियल में। तो चलते हैं हम यहाँ से, एग्जिट करते हैं, एक राउंड हमने पूरा घूम लिया यहाँ पर, और यहाँ से अब करते हैं हम लोग स्टार्ट होता है कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र के बारे में, जिन्होंने लिया था, और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ दे रखी है, और उनका स्टैचू यहाँ लगा रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम आया था वॉर मेमोरियल से मैं वापस चलाया गया था। यह है परम योद्धा स्थल, और यहाँ पे ऐसे ही जितने भी मार्टियर्स हैं अपने देश के लिए उन सब की डिटेलिंग और उनकी स्टैचू लगा रखे हैं कि उनके बारे में आप देख सको, उनकी डिटेलिंग आप ले सको। तो अभी कैप्टन विक्रम बत्रा सर को हमने कंप्लीट करके वह आगे बढ़ते हैं, और ये जो हैं यह है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, इनकी डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है थोड़ी सी, और बाकी उनके बारे में 18 ग्रेनेडियर्स के साथ जो इनका स्टार्ट हुआ था वो। तो ऐसे ही हैं लगभग पूरे परमवीर चक्र जिनको मिला हुआ था, और यह है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, और चलते हैं आगे। यह है राइफलमैन संजय कुमार, इनको भी परमवीर चक्र मिला था, इनकी डिटेलिंग के साथ साथ इनकी फोटो, और अब चलते हैं आगे। लगभग ऐसे ही हर जगह है, और ये है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग जो हर जगह दे रखी है, तो ऐसे ही है इन सब के बारे में दे रखा है उनके स्टैचू के साथ। तो ऐसा ही है, यहाँ पे आप आ सकते हो, काफी कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी खूबसूरती अभी यहाँ रोजेस लगे हुए हैं, एक मतलब कहते हैं ना अच्छी खुशबू के साथ आपको घूमने को मिल जाएगी। और यहाँ पे नायब सूबेदार बाना सिंह, उनकी डिटेलिंग और उनकी स्टैचू के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे घूमने की वजह आपको मिल जाती है, घूमने की जगह है, आप यहाँ आ सकते हो, देख सकते हो जो भी देश के जो वो शहीद जिनको परमवीर चक्र मिला था, इसलिए इसका नाम लिखा गया है परम योद्धा स्थल। यह है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन परमवीर चक्र, इनकी डिटेलिंग के साथ साथ इनकी स्टैचू। यहाँ पे ऐसे ही जितने भी परमवीर चक्र जिनको सम्मानित किया गया था उनके बारे में आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे ही काफ़ी हैं, शायद पूरा आपको ना दिखा पाऊँ मैं,
काफ़ी बड़े एरिया में हैं इधर, इनके स्मार्ट्स जो लगे हुए हैं इनके बारे में, ऐसे काफ़ी सारे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला था। यह फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखोन परमवीर चक्र से सम्मानित, और इनकी स्टैचू। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे और देखते हैं, और फिर यहाँ से करेंगे हम एग्ज़िट और मिलेंगे हमको थोड़ी देर बाद। भूख लग गई थी सुबह से घूम रहे हैं, तो अभी हम आए इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने और यहाँ बैठ के हम कर रहे हैं पेट पूजा। यहाँ अच्छी खासी धूप निकली है, हवा चल रही है, और साथ में हम घर से जो लेके आए थे गोभी का पराठे और पानी, क्योंकि देखो ऐसा बाहर से खाना हमको पसंद है नहीं, तो घर से जितना हो सके लेके चलो, घूमो फिरो, देसी खाओ और देसी जियो। तो यहाँ हो रही है पेट पूजा और यहाँ से फिर आगे चलेंगे कहीं और, डिपेंड करता है कहाँ का मूड बनता है। सुबह से तो अभी हम निकले थे लाल किला घूमकर, इंडिया गेट, इंडिया गेट के बाद नेशनल वॉर मेमोरियल, वहाँ से फिर परम योद्धा स्थल, और अभी यहाँ बैठ के थक हार के बैठे हैं, लाल पेट पूजा चल रही है, और यहाँ से अब चलेंगे आगे, देखते हैं कहाँ चलना है, डिसाइड नहीं हुआ खाने के बाद। तो वहाँ से हम निकले हैं वॉर मेमोरियल के बाद, हम आए हैं मैरोली, यहाँ पे एक पार्क है छोटा सा, यहाँ रेस्ट करने के लिए, काफ़ी सुबह से घूम रहे हैं और अभी जस्ट यहाँ रेस्ट करने आए हैं टाइम पास के लिए, थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर यहाँ से निकले हैं घर। पूरा घूम लिया आज, लगभग इतना थक गया है बाहर, घूमने का मन नहीं कर रहा, तो बस यही है। अब शाम होने को आई है, तो शाम हरियाली के बीच ही निकलनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर हम यहाँ से निकले हैं घर। और आप मेरे पीछे देख लो यार, क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, शाम हो रही है जस्ट, और सूरज अभी धीरे धीरे नीचे जाएगा, 5 बजे अभी शाम के, और छाया है, कहीं कहीं धूप भी है। तो यह है मेरे पीछे मैरोली का एक पार्क, जैसा DDA का पार्क है मैरोली में, और यहाँ हम थोड़ी देर बैठ के फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे अपने घर के लिए। यहाँ पीछे देख सकते हो काफ़ी सुकून भरा नज़ारा है मेरे पीछे और मेरे आसपास चारों तरफ, तो जस्ट यहाँ बैठते हैं। और तो ये थी आज की जर्नी, सुबह अपने बुराड़ी से लेकर लाल किला और फिर उसके बाद इंडिया गेट, फिर वॉर मेमोरियल, और अभी हमें मैरोली के एक पार्क में। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके, आज दिल्ली घूम के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आज घूम के। और क्या क्या जब नहीं देखी आपने यहाँ पे? क्या क्या नहीं देखा, सब कुछ देख लिया, जो नया देखा वो देख लिया। चलो ठीक है, तो बस यही चाहिए था, बाकी अभी थोड़ी देर आराम करने के बाद। हाँ, यहाँ हरियाली दिख रही है, यहाँ का नज़ारा मस्त है, और यहाँ से चलेंगे फिर अपने घर की तरफ। तो ये देखो थोड़ी सी चढ़ान है, अभी मैं था, ये मेरे पीछे चढ़ान है, चट्टानियाँ कटे हुए हैं, पीछे हमारे नीचे जो है ढलान सी है, तो काफ़ी सही जगह है आराम करने के लिए। सुबह से चल रहे हैं, थक गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। दिस इज़ मैं हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिमांशु एचई व्लॉग्स दिस टाइम, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हिमांशु एचई व्लॉग्स और बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड। तो इस वीडियो को आप ख़त्म करते हैं, दिस इज़ मैं हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिमांशु एचई व्लॉग्स, ओवर एंड आउट। Que mimo que fue, pasa la manguera.